नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रिजवान खान है। आज मैं आप लोगों को सात घोड़े, दौड़ते हुए घोड़ों के बारे में बताऊंगा। वास्तु के अनुसार वो आपके लिए कितने लाभदायक है मैं आज आपको बताऊंगा। दौड़ते हुए घोड़े की तस्वीर लगाना हमारे लिए कितना शुभ है। जी हाँ, मैं आज आपको बताऊंगा वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में क्यों लगाते हैं, दौड़ते हुए घोड़े की तस्वीरें क्यों लगानी चाहिए। जी हाँ, जीवन में सफलता हासिल करने के लिए सबसे जरूरी होता है कि इंसान का ऊर्जावान, पॉजिटिविटी और विल पावर स्ट्रांग होना। अगर आपकी ऊर्जा विल पावर मजबूत है तो आप में कार्य करने की क्षमता प्रबल है, मजबूत है तो सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज मैं आपको घोड़ों की तस्वीर से जुड़ी हुई कुछ जानकारियां आपको बताऊंगा जो आपकी किस्मत को चमका भी सकते हैं। जी हाँ, इन टोटकों का इस्तेमाल करें, इन वास्तुशास्त्र के अनुसार चले। अगर आपने अपने घर या दफ्तर में दौड़ते हुए घोड़ों की तस्वीर लगा के रखी है तो यह आपके लिए कार्य में, धन दौलत में वृद्धि करेगा। दौड़ते हुए घोड़ों की तस्वीर प्रगति और ताकत का प्रतीक माना जाता है, खास करके सात दौड़ते हुए घोड़े, क्योंकि वो व्यवसाय की प्रगति का सूचक माना जाता है। जी हाँ, शास्त्रों के अनुसार सात अंक सर्वभौमिक है, प्राकृतिक रूप से। जी हाँ, गौर करने वाली बात यह है कि इंद्रधनुष का रंग भी सात होता है। सप्त ऋषि शादी में सात फेरे, सात जन्म, सात वचन इत्यादि इत्यादि। लोगों को प्राकृतिक सर्वभौमिक माना गया है। जी हाँ, सर्वोत्तम माना गया है इन तस्वीरों को। जी हाँ, अपने ऑफिस के केबिन में सात दौड़ते हुए घोड़ों की तस्वीर अगर आप लगाए, इन तस्वीरों को लगाते हुए सिर्फ इस बात का ध्यान जरूर रखें कि वो घोड़े का जो मुंह होगा ऑफिस के अंदर की ओर आते हुए होना चाहिए। जी हाँ, दक्षिण दीवार पर तस्वीर लगानी है। ध्यान से सुनिएगा, दौड़ते हुए जो घोड़े हैं प्रगति के प्रतीक, यानी आपकी तरक्की, यह आपके तरक्की में और चार चांद लगा देंगे। जो आदमी जो इन घोड़ों को बार बार देखेगा उसका सीधा असर उसके काम धंधे पर असर पड़ेगा और धंधा उसका बढ़ता चला जाएगा। यह आपके काम में एक ताकत, एनर्जी पैदा करेगा और एक चमत्कारी रूप से काम करेगा। सात घोड़ों की तस्वीर अगर घर में लगाएंगे तो सगे संबंधी ज्यादा उतार चढ़ाव, मोहब्बत, उनके दिलों में प्यार भर जाएगा, मिलने आएंगे। जी हाँ, और दौलत चल कर आती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मुख्य द्वार के अंदर, मुख्य घर के अंदर दक्षिण दीवार के ऊपर घर के अंदर आते हुए घोड़े का मुंह तस्वीर जरूर लगाएंगे, बहुत लाभदायक है। घोड़े की तस्वीर खरीदते समय इस बात का ध्यान जरूर रखें कि घोड़ा जो है चेहरा मुस्कुराता हुआ हो, प्रसन्न चित्र हो, बीमार, उदास, झुका हुआ मुंह नहीं चाहिए। ध्यान रखो, घोड़े जो शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक है, आपने देखा होगा उनकी रफ्तार। सफेद घोड़े खासकर पॉजिटिविटी यानी एनर्जी का प्रतीक है और उसकी नकारात्मक ऊर्जा को भी घर की हमारी उसको सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। सफेद हमेशा काले को मार देता है, यानी सच झूठ पर भारी पड़ता है। जी हाँ, अपने घर या दफ्तर के उत्तर पश्चिमी दिशा में आप आर्टिफिशियल घोड़े का जोड़ा, मूर्ति या स्टैचू भी आप रख सकते हैं, या आप किसी को घोड़ा भी गिफ्ट कर सकते हो स्टैचू के साथ। जी हाँ, बहुत खास करके आपको ध्यान रखना है मेरी बात के ऊपर कि आप टूटी फूटी तस्वीर घोड़े की या घोड़े की मूर्तियां या मत रखिए। अधुंधी बीमार तस्वीरें होगी तो आप उसको निकाल दें। हर तस्वीर में जान होनी चाहिए, घोड़े की जान। घोड़ा वाकई में हमारे लिए चमत्कारी काम करता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ये एक ऐसी चीज है जो दौड़ते हुए घोड़े की तस्वीर है जो आपके लिए वाकई में काम करेगी। जी हाँ, अपने घरों और दफ्तरों में लगाकर आप सफलता की सीढ़ी आसानी से तय कर सकते हैं। जी हाँ, इससे घर में सुख, शांति और समृद्धि, लक्ष्मी वास करेगी। बस ध्यान रखने वाली बात तो यह है कि आप
मैंने आपको बताई है उस पर ध्यान आप जरूर रखें। जो चीज आपको करनी है वही करें, जो चीज आपको नहीं करनी है वो आप नहीं करें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं ऐसे और भी वीडियो बनाकर अपलोड करता रहूंगा। जब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज़।